गुड मॉर्निंग हस्बैंड, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो सॉलिड चैप्टर जिसको ठोस बोल रहे हैं, चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे विलियन, ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव भी आज देंगे, आज या कल दे देंगे इसका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, ओके। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ठोसों का वर्गीकरण किया गया था, क्या किया जाता है, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ठोसों का वर्गीकरण तीन रूपों के आधार पर किया जाता है, लेकिन मेनली हम लोग दो ही लेते हैं। पहला होता है विद्युतीय गुण के आधार पर। तो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, चालक, कुचालक, अर्धचालक। यही पढ़े होंगे, चालक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, उसी को सुचालक के नाम से भी क्या करते जानते हैं। कुचालक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक किसे बोलते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कुचालक एवं सुचालक दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। अर्धचालक एग्जाम्पल में क्या था, सिलिकॉन और जर्मेनियम था, ठीक है। कुचालक एग्जाम्पल में था प्लास्टिक, रबर था। अर्धचालक एग्जाम्पल में था सिल्वर, कॉपर और क्या था, चांदी था। एक नोट में लिखवाएंगे कि अर्धचालक जो होता है ना, अर्धचालक जो होता है जीरो केल्विन ताप पर, जीरो केल्विन ताप को हम लोग कमरे का ताप बोलते हैं, है ना। तो कमरे के ताप पर जो अर्धचालक होता है कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। लेकिन वही जैसे जैसे उसके ताप को बढ़ाएंगे या वैसे वैसे उसमें शुद्धि मिलाएंगे उस पदार्थ में, तो क्या होगा, वो अर्धचालक को चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको अच्छा तरीका से समझने के लिए कि काहे चालक में धारा का प्रवाह होता है, कुचालक में क्यों नहीं होता, कैसे जानेंगे, तो उसको बता, उसको समझाने के लिए हम बैंड सिद्धांत बताएंगे। कौन से बताएंगे, बैंड सिद्धांत। और बैंड सिद्धांत में सबसे पहले हम स्टडी किए होंगे बैंड कैसे बनता है, है ना। तो पहले परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाता है और आणविक कक्षक के साथ हम लोग का बैंड बनता है। बैंड दो प्रकार के होता है, एक चालन बैंड, एक फनोजी बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं, तो वह बैंड जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसको चालन बैंड बोलते हैं, और वह बैंड जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको फनोजी बैंड बोलते हैं, ओके। बताए थे कि अब आप लेकर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो वही बोला गया है कि यदि फनोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्या कर जाए, स्थानांतरण कर जाए, यदि फनोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्थानांतरण कर जाता है तो हम लोग का उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ओके। उसके आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक को परिभाषित किए होंगे कि चालक किसे कहते हैं, तो जब चालन बैंड और स्वनोजी बैंड एक दूसरे से व्यापित रहता है, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे तो क्या है, चालक, या इसका वर्जित ऊर्जा अनुकल का आधार शून्य होता है, ठीक है। कुचालक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड, स्वनोजी बैंड एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर स्थित हो, अत्यंत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। और अर्धचालक किसे बोलते हैं, तो वह पदार्थ जिसमें चालन बैंड, स्वनोजी बैंड क्या हो, एकदम अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक के नाम से बता करके जानते हैं। तो वहां पर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय गुण के आधार पर सबसे पहले ठोस में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है, कैसे जानेंगे कि इस ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न है और किसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो बोला गया कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। ये आम बात है कि हर एक पदार्थों में कुछ ना तो कुछ चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण का मतलब यह होता है कि जब उसको कोई पदार्थ को उस क्षेत्र में ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद उसके मानों में कोई, उसकी दिशाएं में कुछ परिवर्तन होता है, हम समझेंगे वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण हैं। ऐसा हम कहना गलत है कि किसी पदार्थों में चुंबकीय गुण नहीं है, किसमें ज्यादा है किसी में क्या है कम, ओके। तो ही बोला गया है कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन चुंबकीय इन गुण उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि ठीक है भाई, हर एक पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये चुंबकीय गुण किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, ओके। इसका कुछ पॉइंट है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है, यानी एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पूरा चुंबक का कार्य नहीं करेगा, लेकिन सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करेगा, ओके।
इसका चुंबकीय गुण दो प्रकार का होता है। पहला, इसकी नाभि के चार ओर कर्षक गति और इसका अपने अक्ष पर चार ओर चक्रण गति। अब इसको समझ लीजिए कि कर्षक गति क्या होता है। जिससे मान लेते हैं कि एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने चारों तरफ प्राकृतिक गति करती है। इससे मान लेते हैं, इसको हम शुरू आइए, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी का आकृति गति करती है। इस गति को हम लोग कक्षक गति बोलते हैं। कौन गति बोलते हैं? कक्षक गति के नाम से बता करते जानते हैं। कक्षक गति किसे कहते हैं? कि यदि 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 सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करता है तो उस गति को हम लोग कक्षक गति के नाम से बता करके जानते हैं। और एक होता है चक्रण गति। चक्रण गति का मतलब यह होता है कि यदि पृथ्वी खुद अपने ही अक्ष पर गति करने लगता है, खुद एक सूर्य के चारों तरफ गति किया है और यहाँ पर जो पृथ्वी है खुद अपने ही अक्ष पर गति करने लगता है, ये पृथ्वी इस पृथ्वी, तो हम बोलेंगे कि इसका कौन गति? चक्रण गति। जैसे आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो कक्षक गति होता है 365 या 366 दिन होता है, आप पृथ्वी का जो अक्षीय गति होता है वो 24 घंटा मतलब एक दिन होता है। कोई पूछेगा कि पृथ्वी की कक्षक गति कक्षीय गति कितनी होती है, तो 365 दिन। 365 दिन में पृथ्वी का करता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है, जिसके पश्चात हम लोग का बोलते हैं कि नया साल आ गया। ओके, और चक्रण किसको बोलते हैं? कि यदि कोई पृथ्वी अपने ही अक्ष पर गति करना प्रारंभ कर देता है, घूमता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रण गति के नाम से क्या करके जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभि के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। जब नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उस गति को इलेक्ट्रॉन का कक्षक गति कहा जाएगा। और वही खुद इलेक्ट्रॉन यही जब हमारा क्या होगा, यही यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यही जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक के चारों तरफ अपने ही खुद स्थान पर गति कर लेगा तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रण गति के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर है? और बात है चुंबकीय गुण क्या है। तो चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय गुण को मापने वाला की इकाई है। क्लियर है? कोई पूछे चुंबकीय गुण क्या होता है, तो चुंबकीय गुण जो होता है एक चुंबकीय गुण को मापने वाला एक इकाई होता है। और चुंबकीय गुण निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? म्यू बराबर रूट एन इंटू एन प्लस टू, रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहां म्यू को चुंबकीय गुण बोलेंगे और एन को बोलेंगे अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन को क्या बोलेंगे? अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका चुंबकीय गुण, अब आता है चुंबकीय गुण क्या होता है। तो चुंबकीय गुण एक ऐसा यानी चुंबकीय गुण को मापने वाला इकाई चुंबकीय गुण कहलाता है। क्लियर है? इसकी नाभि के चारों कक्षक गति, चुंबकीय गुण क्या होता है? दो प्रकार के, इसकी नाभि के चारों कक्षक गति मतलब इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों कैसे गति कर रहा है, और इसका अपने अक्ष पर चारों चक्रण गति मतलब अपने अक्ष पर कैसा, जो समझा चुके हैं पीछे, अभी डायग्राम बना है। और याद रखिएगा कि चुंबकीय गुण जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? म्यू बराबर रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है। म्यू को चुंबकीय गुण बोलेंगे और एन को बोलेंगे अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कि चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को मुख्यतः 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5 वर्गों में। इसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक। कौन मैग्नेटिक? पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? तो अब बात रहा कि पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होता है? आकर्षित होता है। मतलब ये ऐसा पदार्थ होता है जब इसको किसी चुंबक के तरफ ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद वो आकर्षित होते हैं लेकिन दुर्बल रूप से, मतलब वहां से रिटर्न कर जाता है, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। या चुंबकीय पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब बात करें कि सर अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को 11वीं क्लास में बताए होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो देखिए हम इसको नीचे समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो हम नीचे समझाएंगे कि अयुग्म इलेक्ट्रॉन क्या है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। देखिएगा अयुग्म इलेक्ट्रॉन यहाँ पर समझा रहे हैं कि अयुग्म, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पढ़े होंगे कि एक कक्षक ऑर्बिटल होता है ऐसे,
तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या होता है, जो उसका जो गति होता है एक क्लॉकवाइज होता है। कौन वाइज होता है? क्लॉकवाइज। कौन वाइज होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, क्लॉक सीएलओसी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो घूमता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक वाइज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लॉकवाइज का हिंदी होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और इसका हिंदी होता है वामावर्त, वामावर्त। तो समझ गए होंगे? चलिए, तो कोई भी, हम लोग पीछे 11 क्लास में पढ़े होंगे कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों का चक्रण जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। एक जो होता है घड़ी के दिशा में होता है, जो घड़ी के दिशा में चक्रण करता है ना, जो घड़ी के दिशा में चक्रण करेगा उसको हम प्लस ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? माइनस। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। और ऊपर वाले को क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण धनात्मक होगा, और जो नीचे जो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसका ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ध्यान की एक और बात, इसको भी मिटा रहे, इसको समझ चुके हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऑर्बिटल, जैसे एस में देखे होंगे कि एस में जो होते हैं एक डबा होता है, पी में जो होता है तीन गो डबा होता है, और इसमें जो पढ़े होंगे डी में होते हैं पांच गो होता है, और एफ में जो होता है सात गो डबा होता है। इसको हम एस बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, और इसको हम एफ बोलेंगे। ये ऑर्बिटल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्बिटल। तो ये आप लोग को कंसेप्ट को समझने के लिए बता दे रहे हैं, ये आप लोग को फेयर पर उतारने की जरूरत नहीं है, है ना? मैंने आप लोग को यही सब उतारते दिएगा जो, ठीक है? ये जो आप लोग रफ कर समझा रहे हैं ये भी आप लोग क्लियर से समझ जाइए। ओके, तो देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो तरफ से होता है, एक दक्षिणावर्त जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉक जिसको वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल जो हम लोग का जो होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ। यानी एस में ए उपकक्षा है, उपकक्षा में ऑर्बिटल है, ए हम लोग का उपकक्षा है, उपकक्षा है, उप कक्षा, और ये है ऑर्बिटल है। ठीक है, तो कोई पूछेगा एस उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होते हैं, मतलब डबा का होगा एगो है, पी में तीन गो, डी में पांच गो, एफ में क्या है सात गो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, अगर उस ऑर्बिटल में अगर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोलेंगे अयुग्म इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? अयुग्म इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? अयुग्म इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है? ओके, और अगर मान लेते हैं कोई हम लोग का डाबा है और एक आगे एक ऊपर एक नीचे दोनों हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे युग्म इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन। युग्म मीन्स जुड़ा होता है, अयुग्म मीन्स अकेला होता है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि युग्म इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबकीय गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, और जो जिसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता नहीं। एक क्लियर समझ लीजिएगा कि युग्म अयुग्म किसे कहते हैं। तो वही बात बोला गया है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल उस पर आकर्षित होते हैं, या जिनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको पॉइंट पॉइंट लिखवा दिए हैं, या इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अर्थात जिनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने चुंबकीय गुण का खो देता है। जिससे मान लेते हैं हम लोग जब छोटे होंगे तो देखते होंगे कि एक खेल खेले होंगे कि एक हम लोग क्या करते थे कि एक चुंबक लेते थे और चुंबक में लोहे के कील को सटाते थे, है ना?
मान लेते मेरा हाथ चुंबक है, इसमें लोहे के किल को सटा है, फिर एक और किल को इसमें सटा रहे हैं, फिर एक और किल को सटा रहे हैं, फिर एक और किल को सटा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक और किल लोहे के ऊपर लोहे के ऊपर सटके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या किए कि चुंबक को हम लोग आकर हटा दिए, तो चुंबक को हटाने के बाद देखे कि जितना किल सटा हुआ है वो किल कहाँ होगा गिर जाएगा। तो हम लोग क्या देखे कि जब तक क्या देखा गया है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकीय गुण कहाँ तक खो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक ये चुंबकीय गुण रहेगा तब तक ये लोहे की किल इस चुंबक में लोहे की किल में सटा हुआ रहेगा। जैसे ही उस चुंबक को हटा देते हैं, उस चुंबकीय पदार्थ को हटा देते हैं, तो क्या होता है वो किल नीचे गिर जाता है। तो ही बात बोला गया, इसको हम बोलते हैं कि टेम्प्रवरी होता है। क्या होता है इसको? टेम्प्रवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्प्रवरी, ठीक है। फिर जैसे मान लेते हैं हम क्लास दे रहे हैं, हम जब तक आप लोगों को क्लास दे रहे हैं तब तक आप लोग क्या हैं, मेरे क्लास रूम में बैठे हैं। आज यही हम कहा कि क्लास से बाहर निकले, आप लोग भी क्लास से बाहर निकलने गए, तो वो क्या है, आप लोग टेम्प्रवरी वहां पर हैं, क्योंकि जब तक हम वहां पर क्या है पढ़ा रहे हैं तब तक ही आप रूम के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर गए वो क्या हो गए, अभी रूम से बाहर निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार एक क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, क्लियर है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, ठीक है, यानी ये जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में कहा चुंबकित होता है, क्लियर है। और एग्जांपल है, आता है कि चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की एग्जांपल क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल होगा ऑक्सीजन, कॉपर आयन, ये सब है, ठीक है। मैंने आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को पूछना है कि ऑक्सीजन क्या है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्लियर है। तो परिभाषा आप लोगों को लिख दिए, हर ए आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए बात की है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होते हैं, इनके पास हमेशा युग्म विद्यमान होगा। एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ऑर्बिटल है, तो अगर मान लिया जाए कि ऐसे भरा हुआ है, तो इस पर अगर मान लेते हैं कोई तत्व लिए, तत्व का हम ऑर्बिटल बना है हमारे पास ऐसा है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा अनुचुंबकीय कहलाएगा, क्योंकि इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। कौन इलेक्ट्रॉन है बाबू? अयुग्म। तो ऐसा जो बिहेवियर करेगा वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। एक और बार समझिएगा, अगर मान लेते हैं इसको इतना भी भर दिए तो अभी भी ये क्या होगा? अनुचुंबकीय ही कहलाएगा। क्यों अनुचुंबकीय कहलाएगा? क्योंकि अनुचुंबकीय इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, फिर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो बचेगा कौन? ऊपर वाला बचेगा ना, तो क्या अयुग्म इलेक्ट्रॉन इसमें बच रहा है कि नहीं? बच रहा है ना। तो यही बात बोला गया है कि अगर उसमें एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो जाएगा तो पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, युग्म का बोलेंगे तो युग्म का मतलब यह होता है कि पूरा इसके ऑर्बिटल जोड़ा जोड़ा लगा रहेगा, पूरा ये पूरा ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तब हम इसको बोलेंगे कि पूरा अयुग्म कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात हुआ कि बाबू जिसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं करेगा, जब उत्पन्न ही नहीं करेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो वही बात बोले कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित होते हैं, इनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या होते हैं? युग्म होते हैं। एक लिख सकते हैं, अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते का मतलब क्या होता है? युग्म। एक बात याद रखें कि इनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या है कि इसके पास युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मित न होना इनके चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है, क्लियर है। कि इसमें अगर मान लेते हैं बाबू कि अगर मान लेते हैं कि ये डबल ही है, इसमें का एक प्लस माइनस कर देगा, प्लस माइनस कर देगा, प्लस माइनस कर देगा, प्लस माइनस कर देगा, प्लस माइनस, तो चुंबकीय गुण को निरस्त कर देगा, चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है, इसलिए ठीक है। अच्छा, इसका उदाहरण जल नमक बेंजीन, यानी जल नमक जो बेंजीन है वो क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि इनको चुंबक के पास ले जाने पर इसका कोई प्रभाव होता नहीं, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अलग चुंबकीय पदार्थ किसे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप परिभाषा इस पर दोनों के अनुसार ही परिभाषा दे सकते हैं, दोनों के अनुसार ही परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार एक लाइन में याद रखिए, किसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ? तो वह पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं या जिनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके
ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अपने चुंबकीय गुण क्या करता है, अपने चुंबकीय गुण को खो देता है, क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ होता है जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात जिनके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं विद्यमान होते, अगर होते भी हैं तो युग्म होते हैं, तो जिसके पास युग्म होगा वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉनों का युग्मित न होना इनके चुंबकीय गुण को निरस्त कर देते हैं, उदाहरण जल, नमक, बेमेल आदि। मतलब चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी ए क्या होते हैं कि चुंबक ए भी आकर्षित होते हैं लेकिन प्रबल रूप से दुर्बल रूप से, क्यों, क्योंकि इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसके पास कम होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने चुंबकीय गुण बना रहता है। हाँ, ए क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र हट जाएगा तभी भी ये अपने चुंबकीय गुण को क्या करते हैं, बनाए रहता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि जो होता है ये चुंबकीय गुण को बनाए रखता है। और याद रखिएगा कि जो हम यहाँ पर डायग्राम बनवाए हैं ब्लैक से जो बता दे आपको क्लियर रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसे जो डायग्राम बना है ये ध्यान रखिएगा कि ये चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है उनमें जो चुंबकीय गुण को जो प्रदर्शित किया जाएगा वो सब ऊपर मुँह रहेगा, है ना, सब क्या रहेगा ऊपर मुँह रहेगा, कितना होने से 50 को लेकिन ऊपर मुँह रहेगा। याद रखिएगा ये अभ्यक्ति में क्वेश्चन डालता है कि लवचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो लवचुंबकीय पदार्थ ऐसा रहेगा, ठीक है, आगे एक बार दिखाएंगे कुछ समझ लीजिए, ठीक है, तो लवचुंबकीय पदार्थ ऐसा रहेगा, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रति लवचुंबकीय पदार्थ। चौथा है हम लोग का प्रति लॉ चुंबकीय पदार्थ, प्रति लॉ चुंबकीय पदार्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रति लॉ चुंबकीय पदार्थ को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रति लॉ चुंबकीय पदार्थ में हम लोग देखेंगे वह पदार्थ जिनका चुंबकीय गुण का मान शून्य होता है, चुंबकीय गुण का मान शून्य होता है प्रति लौ चुंबकीय प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यदि चुंबकीय आघूर्ण की पंक्ति को इस प्रकार चुंबकीय गुण की पंक्ति इस प्रकार हो कि इसका चुंबकीय गुण शून्य हो जाए। देखिए अब इसका कैसे होता है, ऊपर नीचे यानी इसमें क्या होता है कि इसमें इसका चुंबकीय गुण शून्य होना चाहिए,
तो शून्य का होगा ध्यान रखिएगा। आप लोग अभी बताएं तो ऊपर वाले प्लस होता है नीचे वाले माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है नीचे वाला माइनस। प्लस माइनस मिलकर कैंसिल कर जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर कैंसिल जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर कैंसिल जीरो हो जाएगा। ठीक याद रखिएगा कि प्रतिलौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है ना, इसके जो पंक्ति का जो सजावट किस प्रकार होता है और इसके पंक्ति का सजावट किस प्रकार होता है ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिशन में क्या आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें कौन ऐसा पंक्ति है जो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को दर्शाता है। तो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ ऐसा होता है इसमें जो युग्म इलेक्ट्रॉन जो होता है और युग्म इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है क्लॉकवाइज होता है, कौन वाइज रहेगा क्लॉकवाइज। ठीक है ऐसा रहेगा। तो हम लोग का प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कौन पदार्थ है, प्रतिलौह चुंबकीय प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ओके अब एक होता है पांचवा फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय हम लोग पांचवा पढ़ेंगे फेरी चुंबकीय। वह पदार्थ जिसका वह पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है फेरी चुंबकीय कहलाता है, फेरी चुंबकीय कहलाता है, फेरी चुंबकीय कहलाता है। और इनमें 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 चुंबकीय गुण इनमें चुंबकीय आघूर्ण इनमें चुंबकीय गुण संरेखण परंतु संरेखण का था संरेखण का था संरेखण का था असमांतर होता है, परंतु असमान भी रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें भी का चुंबकीय गुण सहेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें एक अलग टाइप का हो जाएगा। ठीक है इसमें कुछ बैठ जाएगा, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाला इसमें एक वो बच जाएगा। वही बोला गया है वह पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, इनमें चुंबकीय आघूर्ण इनमें चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण इनमें चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण इनमें चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण संरेखण समांतर समांतर तथा समांतर तथा असमांतर होता है, समांतर तथा असमांतर होता है, समांतर तथा असमांतर समांतर तथा असमांतर ऐसे लिखिएगा, समांतर तथा असमांतर दिशाओं समांतर तथा असमांतर दिशाओं में समांतर तथा असमांतर दिशाओं में असमान असमान रहता है ऐसे लिखे देखिएगा। फिर इसमें क्या लिखिए, वह पदार्थ जिसका चुंबकीय गुण शून्य नहीं होता है यानी चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, इनमें चुंबकीय गुण का संरेखण इनमें चुंबकीय गुण का संरेखण समांतर तथा असमांतर दिशाओं में असमान रहता है। और एक जो हम लोग का है फेरी चुंबकीय, कौन चुंबकीय राहु फेरी चुंबकीय पदार्थ
ये हम लोग का चुंबकीय गुण के आधार पर हम लोग क्या पढ़े, लौह चुंबकीय, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये हम पढ़े कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों कितने वर्गों में बढ़ाया गया, तो पांच वर्गों में, पहला अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय, ये सब पदार्थों का क्या है वर्गीकरण है। इसका हम पढ़ रहे हैं अर्धव्यास अनुपात, क्या पढ़ रहे हैं, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब हो जाएगा त्रिज्या, और यहाँ त्रिज्या हम बोल सकते हैं, त्रिज्या का अनुपात भी बोल सकते हैं, अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का जो आधा वो त्रिज्या ही कहलाता है, अर्धव्यास का अनुपात, ठीक है। तो बोले घनायन के अर्धव्यास एवं ऋणायन के अर्धव्यास के अनुपात को अर्धव्यास अनुपात कहते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में जो धनायन का अनुपात होगा और जो ऋणायन का, जो धनायन की त्रिज्या होगा और जो ऋणायन की त्रिज्या होगा, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, त्रिज्या होगा, उन दोनों का हम लोग कर देंगे बाटा कर देंगे तो हम लोग का अर्धव्यास का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो अर्धव्यास का अनुपात निकालने का फॉर्मूला आर प्लस बटन आर माइनस होता है, ठीक है। अर्धव्यास अनुपात प्रभाव क्या होता है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल के समन्वय संख्या, समन्वय का मतलब होता है, समन्वय का मतलब होता है उप सहसंयोजन संख्या, एक और वर्ड होता है कि समन्वय को हम लोग उप सहसंयोजन संख्या भी बोलते हैं, पीछे लिखवा है। तो किसी आयनिक क्रिस्टल के समन्वय संख्या तथा आकार ज्ञात करने में अर्धव्यास अर्धव्यास अनुपात के प्रभाव को अर्धव्यास अनुपात प्रभाव कहते हैं। अब बात रहा कि सर इसका यूज क्यों करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है और आयनिक क्रिस्टल के हमको बताना है कि इसका समन्वय संख्या मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, उसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा या उसका आकार कैसा होगा, उन सभी चीजों को ज्ञात करने में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम अर्धव्यास अनुपात प्रभाव के नाम से बता करते हैं, जानते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टेबल ए टेबल आप लोग का वीवीआई है, ए टेबल से आपका एक क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन, पहला याद रखिएगा कि एक आप लोग को कन्फर्म है कि आप लोग का लाइन आप लोग को याद होगा, ऐसे मत खाचिएगा आप लोग ये याद, ठीक है। अच्छा, तो फलक का समय संख्या मतलब उप शासन संख्या चार होता है, फलक अच्छा होते हैं, धन का आठ होता है, त्रिकोणीय का तीन होता है, ये दो लाइन का आपको याद होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जिसकी त्रिज्या जिसका अर्धव्यास का अनुपात 0.155 से 0.225 है, 0.155 से 0.225 है, तो उसका जो हम लोग का आकार होगा त्रिकोणीय होगा, मतलब 0.155 का मतलब कि 0.155 भी हो सकता है, 0.156 भी हो सकता है, 0.157 मतलब इससे और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो त्रिकोणीय में आएगा। तो जिस आयनिक क्रिस्टल का अगर हम लोग क्या करेंगे उसका त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद अगर इसके अंतर्गत ये आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो त्रिकोणीय है, जिसका इतना आएगा इसके अंदर आएगा वो चतुष्फलकीय है, जिसका इतना है इसके अंदर आएगा चतुष्फलकीय है, और जिसका इतना से बड़ा आएगा तो हम बोलेंगे घन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, याद रखने का तरीका है, देखिएगा, एक दो दो चार चार सात, ऐसे आपको ध्यान देना है बस, एक दो का मतलब समझिएगा, देखिए एक दो दो चार चार सात, बस डबल करके जाना है, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, तो एक का दो का मतलब, एक से दो का मतलब हो कि 0.155 से 0.225, क्लियर है। अब यहाँ यही वाला बात यहाँ आ जाएगा कि 0.225 से 0.414, फिर यही बात यहाँ आ जाएगा 0.414 से 0.732 आ जाएगा, बस ऐसे ही आपको याद रखना है, और लास्ट में आपको याद रखना है इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा कर दीजिएगा, ऐसे ग्रेटर देन हो जाएगा, आपको याद एक दो दो चार चार सात उससे बड़ा होगा। तो त्रिकोणीय का त्रिज्या कितना होता है, तो एक दो का मतलब 0.155 से 0.225 होगा, ठीक है। चतुष्फलक क्या होगा, तो दो चार, तो 0.225 से 0.414 होगा। अष्टफलक क्या होगा, 0.414 से 0.732 होगा, और एक घन का ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान दीजिए, क्लियर है।
ऐसे इसको याद रखना है, त्रिज्या को बता दिए तो आप लोग को बस इसमें आप लोग का 3 पॉइंट याद रखना है, और ये वाला जो आप लोग का पॉइंट है बाबू, ये वाला जो हम लोग का पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ZNS एक बात याद रख लीजिएगा बाबू कि ZNS यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए FCC नोट में यहाँ डाल लीजिएगा नोट, NACL और ZNS जो है ना बाबू, NACL और ZNS जो है वो क्या है, वो FCC के एग्जाम्पल में आता है। किसके एग्जाम्पल में आता है बाबू, NACL और ZNS किसके एग्जाम्पल में आता है, FCC के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हम लोग का अर्धव्यास का अनुपात है और हर एक का अर्धव्यास अलग अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिसकी त्रिज्या 0.155 से 0.225 हो तो उसका त्रिकोणीय होगा, जिसका 0.225 से 0.414 हो तो चतुष्फलक ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग का अर्धव्यास का अनुपात है, और इस तरह से हम लोग का जो पहला चैप्टर था सॉलिड चैप्टर है वो हम लोग का समाप्ति की ओर जा रहा है। बस एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग कल के वीडियो में पढ़ लेंगे, और उसके बाद कल से हम लोग का सॉलिड चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, और जो एक टॉपिक छूटा है आयनिक क्रिस्टल के प्रकार, उन सब चीजों को हम यहाँ पर बता देंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग के एक बार फिर से याद दिलाते रहे कि जो हम लोग का देश अभी भी कोरोना वायरस से ग्रसित है, और देश का विदेश भी ग्रसित है, और उसके साथ साथ हमारे जो नजदीकी गांव, शहर, जिला, प्रखंड जो भी है वो भी इस वायरस से, इस महामारी से ग्रसित है। और आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में ही रहिए, अपने आप को बचाए रखिए, और आप सुरक्षित रहिएगा तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि उस सुरक्षित के साथ साथ जो आप लोग का पढ़ाई है, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बताया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़िए, जो आप लोग को प्रॉब्लम है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करिए, मैं उसको बार बार बताऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत।